नोट्स हो जाएंगे तीन हजार सेट ऑपरेशन बैंक हो जाएगा मॉक टेस्ट हो जाएगा इसका प्राइस रखा गया छह महीने की के लिए तीन हजार वैलिटी के लिए पहले सवाल पाइए अंडर सी टी एस सिस्टम इंस्ट्रूमेंट डिपोजिटेड बाई द कस्टमर फॉर कलेक्शन रिमेन विथ बोलते जो सी टी एस होता है यानी चेक सिस्टम जो भी इंस्ट्रूमेंट डिपोजिट की जाती है कस्टमर के द्वारा कलेक्शन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट डिपोजिट की गई आखिर रहता किसके साथ है कलेक्टिंग ब्रांच बी ऑप्शन है सर्विस ब्रांच ऑफ कलेक्टिंग ब्रांच ठीक है सी ऑप्शन है पेइंग ब्रांच डी ऑप्शन है सर्विस ब्रांच ऑफ पेइंग ब्रांच ई ऑप्शन है क्लियरिंग हाउस तो बेसिकली जब आप सी टी एस में जाते हो जो चेक ट्रांजेशन सिस्टम में करते हम उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यानी जो चेक होता है बेसिकली जो जमा करते हैं तो चेक बेसिकली रह जाता है कलेक्टिंग ब्रांच के पास जिस ब्रांच में चेक जमा करते हैं उसी ब्रांच में रह जाता है यानी ए ऑप्शन हो जाएगा कलेक्टिंग ब्रांच क्वेश्चन नंबर टू में आइए इन केस इंस्ट्रूमेंट इज ऑप्टेंड बाई अनलॉफुल मीन्स बोलते वैसा कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑप्टेंड किया मीन्स के, के जरिए से द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल नॉट गेट एनी टाइटल एज पर जो बोलता है अगर ये इंस्ट्रूमेंट ऑप्टेंड किया अपने गलत तरीके से जो होल्डर होगा इंस्ट्रूमेंट है उसे किसी प्रकार का टाइटल नहीं मिलेगा एज पर कौन सा एक्ट है ऑप्शन है सेक्शन एट ऑफ एन आई एट बी ऑप्शन सेक्शनआई टी ऑप्शन बेसिकली सेक्शन जो आपका यहाँ लगेगा वो है फिफ्टी एट है ऑफ एन आई एट के तहत है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री में ये। आर रिक्वायर्ड टू पे ठीक है डी आई सी जी सी फी ऑन बैंक को जरूरी है कि पे करेगा फी डिपॉजिट इंश्योरेंस जो गारंटी आपका होता है, fees जो होता है, किस basis के ऊपर? ए मंथली बी क्वार्टरली सी हाफ डीआईसी फीस है, e तो है बैंक को पे करना पड़ता है जरूरी है मैंडेटरी पे, पे करना आपको हाफ ईयरली बेसिस पे करना होगा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर में एक्सपोजर टू सिंगल या ग्रुप बोरो Is to after. बोलता है जो एक्सपोजर होता है सिंगल बोरवर का या फिर ग्रुप बोरवर का पांच परसेंट तक ये प्रोवाइड किया जाता है कब ये ऑप्शन है सेम इन टू अकाउंट इन बैंक्स एनुअल रिपोर्ट जो बोर्डर का कंसेंट है डिस्क्लोज़ लिख किया जाता है सेम नोट्स पर जहां ऑप्टेंट किया जाएगा बैंक के एनुअल रिपोर्ट पर बी ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ बोर्ड बोर्ड के अप्रूवल पर सी ऑप्शन है चार्जिंग एडिशनल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ टू परसेंट टू परसेंट एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज किया गया डी ऑप्शन ए एंड बी ई ऑप्शन ए बी सी जी यहाँ बोलता है क्या जो एक्सपोजर था सिंगल ग्रुप का या फिर ग्रुप बोर का ये प्रोवाइड कब होगा जब आपको एक बार बोर्ड से अप्रूवल मिलेगा तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर फाइव में आइए कंपोजिट लोन लिमिट ऑफ कैन बी सैंक्शन बाई बैंक टू इनेबल द एम एस एम ई इंटरप्राइजेस ट्वेल ऑफ देअ कैपिटल लिमिट रिक्वायरमेंट थ्रू सिंगल विंडो बोलता है सिंगल विंडो की मदद से सिंगल विंडो की मदद से वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट का जो लिमिट होता है ठीक है वो सैंक्शन किया जा सकता है एम एस एम एंटरप्राइजेस को कंपोजिट लोन के लिए वो लिमिट क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा यह ऑप्शन रुपीजी फाइव लाख भी ऑप्शन रुपीज फिफ्टी लाख सी ऑप्शन रुपीज़ हंड्रेड्रेड लाख डी ऑप्शन रुपीज़ वन फिफ्टी लाख ई ऑप्शन सही ऑप्शन है सी ऑप्शन रुपीज़ वन हंड्रेड लाख ठीक है क्वेश्चन नंबर एज पर लिबरालाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जिसको हम क्या बोलते हैं एल ठीक है रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी जो भारत का नागरिक है मैं रेमिट अप टू पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च फॉर एनी परमिटेड कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है एल है तो उसके तहत जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है रेमिट कर सकते हैं कितना रुपये पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च का किसी भी परमिटेड कैपिटल पे और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए ए ऑप्शन है वन मिलियन यूएस डॉलर बी ऑप्शन है टू मिलियन यूएस डॉलर सी ऑप्शन है थ्री मिलियन यूएस डॉलर डी ऑप्शन है टू पॉइंट फाइव लाख यूएस डॉलर ई ऑप्शन है नन तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में इस ऑप्शन में हो जाएगा जहाँ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मिली तो रेसिडेंट इंडिविजुअल से रेमिट कर सकते हैं पैसा आपको टू पॉइंट फाइव लाख यूएस डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर ठीक है जो भी परमिट किया गया है कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए कितना कर सकते हैं टू पॉइंट फाइव लाख यूजर जिससे कि मतलब कैपिटल अकाउंट आयोजन कर सकते हैं करंट अकाउंट आयोजन कर सकते हैं डी ऑप्शन क्वेश्चन में ये फैमिली इनकम क्राइटेरिया पर एन एम फॉर डी आर आई लोन्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज तो फैमिली इनकम क्राइटेरिया डाल दिया गया डी आर आई लोन्स के लिए ठीक है तो इस केस में रूरल और अर्बन एरियाज का क्या फैमिली इनकम होना चाहिए ऑप्शन एटीन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड, ट्वेंटी फोर थाउजन ऑप्शन फिफ्टी थाउज ट्वेंटी फोर थाउजेंड सी ऑप्शन है एटीन थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड। डी ऑप्शन है ट्वेंटी फॉर थाउंड सिक्स ई ऑप्शन तो इस केस में हो जाएगा ए ऑप्शन रूरल एरिया का अठारह हजार होना चाहिए और अर्बन एरिया का ट्वेंटी फोर थाउजेंड ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए फैमिली इनकम पर एनम ना भी ठीक है ए ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर एट में आइए वाट इज द फ्लोर लिमिट मिनिमम एंड मैक्सिमम इन केस ऑफ सी आर 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 क्या ठीक है कैस रिजर्व रेशियो जो है आपका उसमें हम बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम फ्लोर लिमिट क्या होगा ये ऑप्शन थ्री परसेंट टेन परसेंट डी ऑप्शन है थ्री परसेंट फाइव परसेंट सी ऑप्शन है फाइव परसेंट टेन परसेंट डी ऑप्शन नो लिमिट ये ऑप्शन है नन तो लिमिट विमिट का कुछ ऐसा नहीं होता कि मिनिमम लिमिट कुछ होता और मैक्सिमम लिमिट कुछ होता है ये प्योरली आर के ऊपर है जो मर्जी है वो कर सकता है वो राजा है वो किंग है कुछ भी कर सकता है पब्लिक के हित में करता है तो पब्लिक की वेलफेयर के लिए करता है इसलिए किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं सेट किया गया ना मिनिमम के लिए ना मैक्सिमम के लिए सही ऑप्शन है डी क्वेश्चन नंबर नाइन आइए ठीक है डी हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन आइए फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू तो, फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या होता है ए ऑप्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात कर रहे हैं बी ऑप्शन है, गवर्नमेंट टैक्सेस एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के टैक्सेस एक्सपेंडिचर बोरिंग के बारे में बात कर रहे हैं सी ऑप्शन है गवर्नमेंट बोरिंग्स फ्रॉम इक्विटी मार्केट इक्विटी मार्केट से सरकार लोन लेती है उसके बारे में बात कर रहा है डी ऑप्शन है सेल एंड सिक्योरिटीज बाय आरबीआई सेल एंड परचेज जो करती है सिक्योरिटीज़ आरबीआई के द्वारा आरबीआई जो सेल एंड परचेज है सिक्योरिटीज उसकी बात कर रहे हैं ई ऑप्शन है नन e इनमें से कोई बात सही नहीं है बेसिकली फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो गवर्नमेंट की टैक्सेस के ऊपर होता है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है उसके ऊपर होता है गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर रहा है उसके ऊपर होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर टेन मसब ऑर्डिनेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आर टू बी लिमिटेड टू ऑफ टीयर वन टूगेदर विद अदर कंपोनेट ठीक है विद अदर कंपोनेट ऑफ टीयर टू शुड नॉट एक्सीड ऑफ टीयर वन कैपिटल बोलते सब डेप्ट होगा इंस्ट्रूमेंट वो लिमिट कर दिया गया है कितना परसेंट ऑफ टीयर वन कैपिटल का टुगेदर और दूसरे कंपनी जो होते टीयर टू के जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना परसेंट ऑफ टीयर वन कैपिटल के ऑप्शन परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट बी ऑफ्शन फिफ्ट फिफ्टी परसेंट सी ऑप्शन फिफ्टी परसेंट हंड्रेडर डी ऑप्शन है है नो लिमिट ई ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव तो बेसिकली सब ऑलरेडी डेप्ट का इंस्ट्रूमेंट है टीयर वन में जो लिमिट किया गया है टुगेदर में वो है आपका फिफ्टी परसेंट का यानी फिफ्टी परसेंट हो जाएगा यहाँ पे ठीक है और दूसरा हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं कि जो दूसरा कंपोनेंट है आपका टीयर टू का वो एक्सिट नहीं करना चाहिए कितने से ज्यादा हंड्रेड परसेंट से यानी हंड्रेड से ज्यादा वो यहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा ठीक है ये ध्यान रखना आपको तो ऐसा ऑप्शन आपका सी में है तो सही ऑप्शन हो गया सी यहां पर सेंटर बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का कलेक्टर ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सीबीआई सेंट्र बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लियर होता है इसमें लेक्चर कोर्सेस मिल जाएंगे सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएंगे क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा नोट जाएगा पीडीएफ में तीन हजार से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में बीस मॉक टेस्ट हो जाएगा प्राइस रखा गया दो हजार रुपए छह महीने की वैलिडी के लिए तीन हजार रुपए लाइफ लॉन्ग वैलिटी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकता है फोन नंबर जाएगा फोर टेम्स नाइन सिक्स एट फाइव वन टू वेबसाइट पर जाकर डी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते डब्ल्यू डॉजी एडियो डेट डॉट कम एडल थ्री एट वॉर्ड जी मेल डॉट कन्फॉर्मेशन रेसी बॉक्स में डाल दिया थैंक यू वेरी मच